हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अमेज़ॉन की किचन वेयर एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया से गैजेट्स और काफ़ी बढ़िया बढ़िया किचन के सामान देखने को मिलेंगे। और मैंने सारे प्रोडक्ट के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो रोज़ मिलती रहे। मॉस्किटो नेट आप ले सकते हो, ये फोल्डेबल मॉस्किटो नेट है जो कि समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, इसे फोल्ड करके आप रख भी सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए मैं आपको स्टील ट्रैवल कप दिखा रही हूँ, जो कि फोल्डेबल स्टील ट्रैवल कप है, बहुत ही बढ़िया सा है और एक ताले के जैसा ये पूरा फोल्ड होके आप इसको अपने वॉलेट वगैरह में या फिर पर्स में रख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं फेस मास्क ब्रैकेट दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा है। फेस मास्क लगाने पे थोड़ा सा मतलब दम घुटता है, उस टाइप से बचने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं स्टील ड्रिंकिंग स्ट्रॉज दिखा रही हूँ, स्पून के तरह है ये, और एक तरह तो ये स्पून का भी वर्क करता है, दूसरी तरफ ये आप ड्रिंक के लिए स्ट्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2-in-1 है, इसमें आपको काफ़ी ढेर सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। और ये है मैग्नेटिक मॉस्किटो नेट, जिसे आप अपने डोर पर लगा सकते हैं, स्टिकी हुक के साथ आपको मिलता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 6-in-1 स्टिकी हुक, जो कि आप अपने बाथरूम में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, पलटे वगैरह और चॉपिंग बोर्ड लगाने के लिए आप और इसे आप अपने डोर के बैक साइड लगा सकते हैं डोर हुक के लिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। इसका स्टिकी हुक काफ़ी हार्ड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं डिश ड्राइंग मैट दिखा रही हूँ, जिसमें आप सिंक के साइड पे इस मैट को लगा के बर्तन वगैरह को ड्राई कर सकते हो। और इस ये रैक बहुत ही बढ़िया सी है मैट, इसमें चॉपिंग वगैरह ऊपर बोर्ड को रख के यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स है, जो कि आपको 6 के सेट में मिल जाता है। इसमें आप फिर ढेर सारा सामान रख सकते हैं घर के। किचन स्टोरेज बॉक्स दिखा रही, वॉल हैंगिंग किचन स्टोरेज बॉक्स है, जिसे आप स्पाइस बॉक्स भी बोल सकते हो। और इसमें आपको 4 से 5 का सेट मिल जाता है, स्पेस काफ़ी कम लेता है, नीचे के साइड आपको हुक भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं स्विंग मशीन दिखा रही हूँ, मिनी स्विंग मशीन है ये, तो ट्रैवलिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक से ये चार्ज हो जाती है, USB वगैरह से, तो इसमें क्या कि आप टी शर्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। अक्सर की टी शर्ट्स पे सिलाई अच्छे से नहीं चलती है, तो ये क्या है, मल्टी फंक्शनल यूज़ है इसका, हर कपड़े पे सिलाई आप काफ़ी ईजिली इससे कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सोप डिश होल्डर दिखा रही हूँ, 3-tier सोप डिश होल्डर है, जिसमें आप 3 सोप्स को एक साथ होल्ड करके रख सकते हैं, और बाथरूम और सिंक के साइड में लगाने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं फैशन टेप और बॉडी टेप, दोनों ही इसे कहते हैं, वो दिखा रही हूँ, और आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुका है ये, और बहुत ही यूज़फुल भी है। आप इसे शर्ट वगैरह में लगा सकते हो, बटन टूट गया उस जगह पे लगा सकते हो, स्कर्ट पे लगा सकते हो, टॉप गले का वो टॉप ज़्यादा बड़ा है गले का साइज़, तो उसमें लगा सकते हैं। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, वुमेंस के लिए बहुत ही बढ़िया सा है। ट्रैवलिंग कर रहे हो आप और आपके पास महंगी अच्छी ज्वेलरीज वगैरह है, कलेक्शन अच्छा रखते हैं आप, रिंग्स वगैरह को सेफ रखने के लिए आप बॉक्स को ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 4-in-1 स्पाइस बॉक्स, तो ये काफ़ी बढ़िया सा, इसमें आपको 4-in-1 स्पाइस बॉक्स मिलता है, जिसमें 4 स्पून साथ में मिल जाते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट कटर पेलर दिखा रही हूँ, जिसमें आपको एक कंटेनर मिल जाता है, मतलब डिस्पेंसर, जिसमें जो भी छिलका वगैरह, जो भी आप वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह को छील काट रहे हैं, उसमें इसका छिलका कंटेन हो जाता है, इसे आप डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं, तो कूड़ा वगैरह नहीं फैलता है। और यहाँ पर मैं बॉटल डिस्पेंसर दिखा रही हूँ, कैप काफ़ी बढ़िया सा है, इस पर आप ऑयल कंटेनर जैसा इसका लुक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसका। टॉयलेट ब्रश दिखा रही हूँ विद कंटेनर, तो कंटेनर के साथ आपको एक टॉयलेट ब्रश मिलेगा सिलिकॉन का बना हुआ, जिसे आप किसी वॉल वगैरह पे स्टिक करके लगा सकते हो स्टिकी हुक से। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक ग्रिल पैन दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका यूज़ बहुत बढ़िया है, ये इलेक्ट्रिक के कारण चलता है। दूसरी बात, इसमें चिल्ला रोटी वगैरह आप बना सकते हो, स्टीमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि राइस वगैरह हर चीज़ बना सकते हो। ऑल टोटल कुकवेयर जो सेट होता है ना, उसका पूरा वर्क आप इसी में कर सकते हो, स्टीमर सब्जी वगैरह बनाने के लिए, चिकन वगैरह बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कोई दाल वगैरह फ्राई करना, पॉपकॉर्न वगैरह बनाना है, ये सारी चीज़ों में ये वर्क करता है। लिक्विड सब्जी वगैरह भी बना सकते हो, फ्राई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही चीज़ में आप काफ़ी ढेर सारी चीज़ें कुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फूड स्टीमर भी दिखा रही हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है, इसमें आप दाल वगैरह राइस वगैरह बना सकते हो, ऊपर की रैक में एग स्टीम कर सकते हो, ऊपर की और उससे ऊपर वाली रैक में आप वेजिटेबल वगैरह स्टीम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है,
और लोग अपने काम को एक ही साथ करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत जल्दी परचेज़ कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए। और एक साथ आप 3 से 4 डिश एक साथ ही बना सकते हो। इसमें भी आप फ्रूट वगैरह बना सकते हो, डिश ड्राइंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। एंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ सिंक रैक, जो एडजस्टेबल सिंक रैक है, इसमें आपको 2-साइडेड बास्केट मिल जाएगी। एक तो कंटेनर टाइप की बास्केट है जिसमें आप वेजिटेबल वगैरह वॉश कर सकते हो, दूसरा आपको स्ट्रेनर अंदर के साइड में मिल जाता है। डिश वगैरह आप वॉश करके भी इसे ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं टेबल में इसमें रख के। और यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ मैं इसे, नाइफ ऑर्गेनाइज़र भी आप बोल सकते हो, स्पून, स्टर्नर वगैरह और वेजिटेबल पीलर कटर वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें आप इस रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 5-in-1 वेजिटेबल स्लाइसर, जिसमें आपको 5 ब्लेड्स मिल जाएगी और इसमें आप अलग अलग तरह के वेजिटेबल को कटिंग कर सकते हो। और आपको एक होल्डर भी मिल जाएगा हैंड पे लगाने के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है चॉपिंग स्लाइसिंग वगैरह करते हैं ना जब, तो हैंड ज़रूर से कट जाता है ब्लेड से। तो इसके लिए यहाँ इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ दे रखी है हैंड को होल्ड करने के लिए, वेजिटेबल वगैरह को होल्ड करने के लिए। स्लाइसेस चॉपिंग, नूडल्स के लिए चॉपिंग, सब कुछ कर सकते हो। ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया दे रखे और इसे वॉश करके कहीं आप टांग भी सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स क्लीनिंग ब्रश, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसका ब्रश काफ़ी सॉफ्ट है, देखने में बस हार्ड लग रहा है। इससे आप वेजिटेबल वगैरह को काफ़ी अच्छे से वॉश कर सकते हो स्क्रब करके, और यहाँ तक कि फ्रूट्स वगैरह को भी वॉश करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरक वगैरह भी वॉश कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें डिश वगैरह भी वॉश करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल यूज़ वाला ब्रश है और आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और ये है 5-लेयर क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, तो वॉलड्रॉल वगैरह में रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो अगर पार्टीशन ज़्यादा नहीं है तो। और इलेक्ट्रिक ब्रश दिखा रही हूँ जिससे आप मैट वगैरह क्लीन कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा है किचन और शूज़ वगैरह क्लीन करने के लिए। और अगर आप किचन में यूज़ कर रहे हो तो शूज़ ना क्लीन करें, शूज़ क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप अलग से ले सकते हैं। वैसे इसका मल्टी फंक्शनल यूज़ है, आप जो यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ वॉशिंग ब्रश, तो ये डिस्पेंसर के साथ आपको मिल जाएगा क्लॉथ वॉशिंग ब्रश है, इससे आप शूज़ वगैरह भी ब्रश क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पुटी नाइफ दिखा रही हूँ, ये काफ़ी बढ़िया सा नाइफ है, इसे स्पैचुला भी बोल सकते हैं, किचन क्लीनिंग स्पैचुला भी बोलते हैं। किचन वगैरह या फिर फ्रिज के बर्फ को हटाने का काम या फिर कोई हुक वगैरह हटाना है तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ किचन वॉल पेपर, तो बहुत ही बढ़िया सा है, फायर वगैरह से ये जलता नहीं है और किचन को सुंदर बनाने के लिए लोग अलग अलग तरह का इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं वाटर कैन होल्डर दिखा रही हूँ, ये येलो कलर में आता है, इसे आप वाटर कैन को काफ़ी ईजिली उठा सकते हो अगर बिल्डिंग वगैरह में अगर आप वाटर कैन का इस्तेमाल करते हो या ले जाते हो तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं फ्रिज कवर दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा रहता है, ये वॉल हैंगिंग्स भी आपको साइड में इसमें मिल जाती हैं। सीड्स रिमूवर दिखा रही हूँ, प्लास्टिक का बना हुआ सीड्स रिमूवर है, इसमें आप कैप्सिकम की सीड्स वगैरह को बीज को हटा सकते हैं, चिली की बीज को भी काफ़ी अच्छे से हटा सकते हैं। गार्लिक क्रशर दिखा रही हूँ, गार्लिक शेप का गार्लिक क्रशर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है देखने में और इसमें आप चिली वगैरह भी क्रश कर सकते हो जैसे तड़का वगैरह बनाना है तो उसके लिए। और कॉर्ड पीलर कटर दिखा रही हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया सा, इसमें आपको एक डिस्पेंसर भी मिल जा रहा है, मतलब एक कंटेनर टाइप का, और इसमें आपको होल्डर भी मिल जा रहा है और चीज़ ग्रेटर भी मिल जा रहा है साथ में ही। और यहाँ पे मैं ट्यूब स्क्वीज़र दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा रहता है, साइजेस अलग अलग हैं, आप ब्यूटी क्रीम्स वगैरह को भी ट्यूब से स्क्वीज़ कर सकते हैं। किचन सीट पेपर दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा है, तो इसे आप इस पेपर को किसी ड्रॉल वगैरह में किचन के लगाना है वहाँ पर भी लगा सकते हो। और वाटर प्रूफ होने के कारण इसमें कोई दाग धब्बे भी नहीं लगते, इसे वॉश भी कर सकते हो और अपनी अलमारी वगैरह में भी लगा सकते हो। मल्टी फंक्शनल यूज़ है इसका, इसमें शेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं रोटेटिंग कॉर्नर रैक दिखा रही हूँ, और इसमें आप शैम्पू, कंडीशनर, लोशन वगैरह बाथरूम के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहो तो किचन में भी यूज़ कर सकते हो। 4 हुक्स भी आपको साथ में दे रखे रहते हैं इसमें। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पॉट होल्डर, काफ़ी क्यूट सा पॉट होल्डर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसे आप यूज़ के बाद टाइल्स वगैरह में भी लगा सकते हो किचन के, और गर्म पॉट को पकड़ने के लिए, ओवन वगैरह के पॉट को पकड़ने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं प्लास्टिक का लिड रैक दिखा रही हूँ, लिड वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, छोटे स्पून्स वगैरह उसे भी रख सकते हैं, वॉश करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और डिश ड्राइंग रैक मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा डिश ड्राइंग रैक है, बहुत लोग होते हैं जिनको सुंदर चीज़ें पसंद होती, तो उनके लिए ये डिश ड्राइंग रैक
रैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिंक के साइड में रख सकते हो। इसमें नीचे एक साइड एक ट्रे भी दे रखा है। और टी इन्फ्यूज़र दिखा रही हूँ मैं, ग्रीन टी वगैरह बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आपको शेप्स काफ़ी अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं, वैसे मैंने बाउल शेप दिखा रखा है और ये काफ़ी सस्ते रेट पर भी मिलता है। और यहाँ पर मैं जूस ब्लेंडर बॉटल दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी है, ट्रैवलिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक होने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आप USB से भी इसे चार्ज कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए लोग इसे लेते हैं। और यहाँ पे मैं गैस गार्ड दिखा रही हूँ, गैस वगैरह को सेव करने के लिए आप इस गैस गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, एल्युमिनियम का बना रहता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहता है। और मल्टी फंक्शनल हैंगर दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें आप शूज़ वगैरह ड्राई कर सकते हो, टॉवल ड्राई कर सकते हो, इसकी शीट्स को हटा के शूज़ वगैरह भी लगा सकते हो, हैंगर के अंदर भी हैंगर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं फिंगर लॉक दिखा रही हूँ, भाई ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप अपनी जैसे मोबाइल की स्क्रीन में मोबाइल में फिंगर लॉक लगाते ना, वैसे इस लॉक में फिंगर लॉक आपको लगाना होता है, तो ये तो सिर्फ आप ही से खुलेगा और किसी से खुलेगा भी नहीं। और यहाँ पे मैं फ्रूट सीड रिमूवर स्टील के दिखा रही हूँ, 4K सेट में है, बहुत ही अच्छे से है। और इसका इस्तेमाल आप काफ़ी ढेर सारे फ्रूट्स वगैरह की सीड्स को हटाने के लिए कर सकते हैं। 200 रुपीज़ में 4K सेट मिल जाएंगे आपको। और मिरर कॉस्मेटिक बॉक्स दिखा रही हूँ, इसमें तो पहली बात मिरर दे रखा है और अंदर साइड आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। नीचे के साइड रैक भी दे रखी है जिसमें आप लिपस्टिक वगैरह ज्वेलरी है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्टील का कमाल का मीट बाउल दिखा रही हूँ, स्पून जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग मीट बाउल वगैरह भी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो उनको मीट बाउल बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फटाफट से मीट बाउल बनाना है तो उसके लिए आप इस स्पून को ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं कार फोल्डेबल टेबल दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी रहती है, इसमें आप बॉटल वगैरह लगा सकते हो, 2 बॉटल्स लगा सकते हो, या फिर आपको कोई सीरियल वगैरह देखना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप करते समय भी इस रैक का यूज़ कर सकते हैं। पैंट के लिए मैं फोल्डेबल रैक दिखा रही हूँ, हैंगर सॉरी, बहुत अच्छा है, इसमें आप 5 पैंट्स लगा के एक साथ फोल्ड करके सिंगल हैंगर इसे बना सकते हैं। अमेजिंग गैजेट दिखा रही हूँ जो कि डस्टबिन है, फोल्डेबल डस्टबिन होने के कारण इसे आप अपनी कार वगैरह में हमेशा के लिए रख सकते हो। और इसमें लिक्विड यानी पानी वगैरह भी भर के आप वॉशिंग का भी काम कर सकते हो कार का। और स्क्रीन क्लीनर दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है, और डर्ट वगैरह फिंगर वगैरह के जो भी निशान होते हैं वो सब इससे आप काफ़ी ईजिली क्लीन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।